Hey guys, welcome back to the channel. मेरा नाम है ज़ाहिद अख्तर. आज हम बना रहे हैं हुडी की इंसाइक्लोपीडिया वाली वीडियो. मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कुछ नहीं देखना है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बातें ही बहुत करने वाले हैं. तीन वीडियो का कंटेंट आपको इस एक वीडियो में मिलेगा. जैसे कि हम बात करेंगे बाइंग गाइड के ऊपर, सस्ता लेना चाहिए कि महंगा लेना चाहिए, कि 6000 वाली. समझ रहे हो? समझ रहा हूँ. बहुत ज्यादा टेंशन है यूथ में कि ओवरसाइज हुडी लें या फिर स्लिम फिट वाली हुडी लें, क्योंकि आज से पहले तो सब लोग स्लिम वाली बोलते थे और अब हो गया है कि ओवरसाइज. इसके बारे में हम बात करेंगे और मेन चीज कि आखिर ये हुडी स्टाइल कैसे की जाती है. वैसे आप लोग का जो प्यार हमारी लास्ट की दो वीडियोस पर मिला है, अगर वैसे ही मिलना शुरू हो जाए तो वो दिन दूर नहीं कि जब हम लोग भी 1 मिलियन बहुत जल्दी क्रॉस करेंगे. एंड विद दैट सेड, आज की वीडियो में भी हम गिव अवे करने वाले हैं. क्या होने वाले गिव अवे के रूल्स वो आपको वीडियो के बीच में पता चल जाएगा. अभी भी गिव अवे चालू है हमारी 10 मस्ट विंटर जैकेट्स वाली वीडियो पर, तो अगर आपने उसमें पार्ट नहीं लिया तो उसमें पार्ट ले लीजिएगा. इसमें कुछ और होने वाला है. वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बहुत मजा आने वाली है. बट बिफोर वी स्टार्ट विद आवर वीडियो, अगर आप चैनल पर आए हैं, इस मोटे पहले बार देखना, 2-4-5 वीडियो देखिएगा. जब आपको लगता है कि इस लड़के के चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो सब्सक्राइब के साथ साथ वो बेल आइकॉन दबा दीजिएगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, मेरा एक व्लॉग चैनल है जिस पर मेरी लाइफ में जो भी उथल पुथल होती है या जो भी BTS है, नॉट वो कोरियन BTS ड्रामा, मतलब बिहाइंड द सीन बात कर रहा हूँ, वो सब आपको मिलते रहता है मेरे बंजारा ज़ाहिद चैनल पर. सबसे पहले तो बात करते हैं हुडीज की क्वालिटीज को लेकर. आखिर क्यों एक प्लेन ब्लैक हुडी 500 की भी मिलती है और 2000 की भी मिलती है. फोटोज में देखें या बाहर से देखें तो दिखने में तो दोनों सेम होती हैं. फर्क क्या होता है? हुडीज का जो इनर फ्लीस मटेरियल होता है वो डिसाइड करता है कि आपकी हुडी का रेट क्या है. सस्ती वाली हुडीज में एकदम पतले क्वालिटी वाला फ्लीस मटेरियल होता है, मतलब आप उसको जब पहन भी रहे होते हो ना तो आपके आर्मपिट पे वो फ्लीस थोड़ा सा चिपक जाता है. आपके सर पर आप देखते हो कि अंदर का पूरा वो रेशे टाइप का निकल रहा होता है. इनफैक्ट आपके कपड़े पे भी लग जाता है. और जब भी आप धुल रहे होते हो तो धुलने के टाइम पे भी अंदर का फ्लीस झड़ रहा होता है. तो वो सब सस्ती वाली हुडीज होती हैं. एंड इफ यू टॉक अबाउट एक्सपेंसिव हुडीज, दिखने में तो सेम वो 500-600 वाली है, पर क्यों 2000 की बिकती है? रीजन इज उसकी फैब्रिक मटेरियल, उसका जो इनर फ्लीस मटेरियल है वो वजह है कि वो महंगी बिकती है. महंगी हुडीज का जो इनर फ्लीस मटेरियल होता है वो काफी थिक होता है. एंड अनलाइक सस्ती वाली हुडीज, वो निकलता नहीं है, चाहे वॉश करिए चाहे खुद के ऊपर पहनिए. अभी सवाल आएगा कि भाई हमको तो समझ नहीं आता, ऐसे देखकर हम नहीं बता पाएंगे कि ये सस्ती क्यों है, ये महंगी क्यों है. दो चीज बता रहा हूँ, उससे आप आराम से पता कर लोगे कि ये सस्ती क्यों है, ये महंगी क्यों है, ये अच्छी क्यों है. पहली चीज तो उसकी ड्रॉ स्ट्रिंग, जितनी पतली, जितनी देखने में आपको लगे कि यार ये जूते का फीता लगाया हुआ है, समझ जाना भाई कि वो सस्ती वाली है और उसके अंदर का मटेरियल भी बहुत सस्ता होगा. एंड द सेकंड थिंग, वजन. आपको खुद समझ आएगा, जो एक्सपेंसिव होती है ना वो फ्लफी फ्लफी होती है, पिलो जैसी दिखती है और भारी होती है वजन में. व्हाइल बाइंग हुडीज, एक चीज का आपको और ध्यान रखना है, स्पेशली व्हेन यू आर बाइंग थोड़ा सा महंगा हुडी, प्रिंटेड हुडी आपको महंगे वाले नहीं खरीदने, स्पेशली वो जो स्लोगन्स वाले होते हैं और वो जो रिलेटेबल वाले होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अपना टाइम आएगा, गली बॉय जब आई थी वही 3-4 महीने वो स्लोगन चला था. अगर आपने उस टाइम पर खरीद ली होती वो 2000 वाली हुडी तो आज के टाइम पे वो रिलेटेबल नहीं लगती. कुछ ऐसे स्लोगन्स होते हैं जो लाइफ टाइम रहते हैं, जो रिलेटेबल हमेशा रहेंगे, उसमें आप खर्चा कर सकते हो. अभी जैसे नारुतो वारुतो एनिमे वेनिमे सब चल रहा है, तो आपने खरीद तो ली पर कितने और दिन चलेगा किसी को नहीं पता है. 90s का ये एनिमे इंडिया में अब वायरल हुआ है. बदनाम शायर घंटा इंजीनियरिंग दिल्ली से है, BC, ये टाइप के अगर आप खरीदते हो या आपको इस टाइप के स्लोगन्स वाले पसंद है तो आप ले सकते हो, महंगे भी ले सकते हो, चलेगा, बिकॉज ये सब रिलेटेबल है और ये सदा बाहर वाले, एवरग्रीन वाले, ये कभी आउट ऑफ लीग नहीं जाएंगे. बदनाम शायर या घंटा इंजीनियरिंग, ये सब हमेशा रहेंगे, इसमें आप ऐसा खर्चा कर सकते हो. चलिए जी, जरा आप बात करते हैं ओवरसाइज फिट वर्सेस स्लिम फिट हुडीज के बारे में, किसको कौन सी लेनी चाहिए. जब हम बात करते हैं स्ट्रीट वेयर की, स्ट्रीट स्टाइल फैशन की, तो ओवरसाइज गेम में आता है. तो अगर आप वो हैं जो स्ट्रीट स्टाइल स्ट्रीट वेयर कैरी करते हैं तो आपको ओवरसाइज हुडीज लेनी चाहिए, या फिर आप नया ट्राई करना चाह रहे हैं, आज से पहले कभी आपने ओवरसाइज नहीं पहना, या फिर आप वो हैं जो अंदर 3-4 लेयर मार लेंगे, इनर पहन लिया, मम्मी की मिनी स्वेटर पहन ली जैसे हम भी करते थे, एक दो चीजें और पहन ली और उसके बाद आपने एक नई हुडी पहनी है जो आपको फ्लॉन्ट करनी है, तो ओवरसाइज आप खरीद लीजिएगा. लेकिन आपको इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो आपकी ओवरसाइज हुडी है आप इसको बहुत ज्यादा लेयरिंग गेम में यूज नहीं कर पाओगे. ये ऑलरेडी ओवरसाइज है, बैगी है, दिखने में भारी भरकम है,
भारी है, कपड़ा मोटा है। अब खुद सोचो दो मिनट के लिए, मिसाल के तौर पर मैंने ये एक डेनिम जैकेट पहनी है जो दिख रही है कि ये मेरी बॉडी पर एकदम बढ़िया चिपक के आ रही है, क्या मैं एक ओवर साइज हुडी के ऊपर इसको पहन सकता हूँ? नहीं। क्या मैं एक ओवर शर्ट को एक हुडी के ऊपर पहन सकता हूँ ओवर साइज वाली? नहीं। क्या मैं बॉम्बर जैकेट को पहन सकता हूँ ओवर साइज हुडी के ऊपर? नहीं। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और तभी गेम में आती है एक स्लिम फिट हुडी। स्लिम फिट के अपने फायदे हैं, सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो लेयरिंग के लिए। ऑलमोस्ट हर जैकेट के अंदर आप उसको लेयर कर सकते हैं। अगर आप जिम जाने वाले बंदे हैं, फिजिक बहुत अच्छी है, मस्कुलर हैं, तो जब आप उसको पहनेंगे तो आपकी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर दिखता है उस स्लिम फिट हुडी में। स्लिम फिट या फिर रेगुलर फिट, दोनों को हम लेकर यहाँ चल रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा आप। स्लिम फिट में मैं आपको कहूंगा सिर्फ और सिर्फ आपको सॉलिड कलर पैटर्न्स के साथ जाना है, मतलब ब्लैक हो गया, ग्रे हो गया, व्हाइट हो गया, ब्लू हो गया, नीला, काला, पीला, जो आपको समझ आता है, बट उसके ऊपर कुछ भी किसी तरीके का कुछ भी प्रिंट नहीं होना चाहिए। हाँ, वन लाइनर टू लाइनर चल सकता है, जैसे एक ब्रांड है बर्गर पे तो उन्होंने बर्गर लिखा हुआ है, वैसे टाइप का चल जाएगा, या फिर एक नॉर्मल सा इंजीनियर लिखा है, आपका नाम लिखा है, उतना चल सकता है। बहुत ज्यादा प्रिंट होगा तो वो जब आप लेयर कर रहे होगे ऐसे तो चल जाएगा, लेकिन जब आप उसको लेयर करेंगे तब ना वो समझ नहीं आएगा, बिकॉज आपने ऊपर एक जो जैकेट मारी है वो आप दिखाना चाहते हो या फिर अपना अंदर लिखा हुआ जो है वो दिखाना चाहते हो। पब्लिक भी कंफ्यूज, आप भी कंफ्यूज, विच मीन्स फैशन गेम डाउन। चलिए जी, अब बात करते हैं कि हुडीज को स्टाइल कैसे करना है। सबसे पहले आउटफिट बनाने के लिए हम ले रहे हैं एक प्लेन सॉलिड ब्लैक कलर की स्लिम फिट हुडी और एक डेनिम जैकेट। बॉटम्स में आपका जो मर्जी है आप वो पहन सकते हैं। अब बात करते हैं जरा आज के गिव अवे की, क्या रूल्स हैं। सबसे पहली चीज तो इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल का सब्सक्राइबर होना बहुत जरूरी है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तीसरी चीज, आप इस चैनल को मुझको क्यों देखते हैं, क्या अच्छा लगता है, एक कमेंट कर दीजिएगा। चौथी चीज, इस वीडियो को उठाकर आपको इंस्टाग्राम पर शेयर करना है और मुझे करना है टैग, काम खत्म। जैसे ही इस वीडियो पर 2000 लाइक्स पूरे होंगे हम किन्हीं दो लकी विनर्स को गिफ्ट करेंगे 2000 रुपए के Amazon गिफ्ट वाउचर्स। एक लकी विनर 2000 रुपए पाएगा, एक लकी विनर 2000 का गिफ्ट वाउचर पाएगा, दूसरा वाला भी 2000 का पाएगा, और उस 2000 रुपए के वाउचर से आप कुछ भी Amazon से शॉपिंग कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपने अगर एक 2100 रुपए की जैकेट खरीदी है तो आपका सिर्फ 100 रुपए लगेगा, 2000 तो हमने जो आपको गिव अवे में दिया है वो आप यूज कर लेंगे। रूल्स बहुत इजी है, नहीं समझ आता कॉमेंट में भी मैंने पिन किया रहता है, डिस्क्रिप्शन में भी रहता है, उसको जाकर देख लीजिएगा। और इसी के साथ एक चीज और, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, सभी हुडीज के बेस्ट बाय लिंक्स हैं, चाहे फिर वो सस्ती वाली हो, महंगी वाली हो, प्रिंटेड हो, ओवरसाइज हो, स्लिम फिट हो, या फिर सॉलिड कलर पैटर्न्स वाली हो, सब जितना मुझसे हो पाया है सबके लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। तो आपको कुछ खरीदना है आप उसको भी चेक कर सकते हैं। अभी सेकेंड आउटफिट बनाने के लिए हम फिर से एक ब्लैक हुडी को ले रहे हैं और उसके साथ हम पेयर कर रहे हैं एक ओवर शर्ट को। इसी तरीके से आप एक आउटफिट और बना सकते हैं, पफर जैकेट मैं ले रहा हूं और इसके साथ भी मैं एक स्लिम फिट हुडी को अंदर लेयर कर रहा हूं। अभी तीनों आउटफिट में मैंने सेम ब्लैक हुडी इसलिए रखी क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका बजट कम रहता होगा, बहुत सारे लोग बहुत सारा आइटम नहीं खरीद सकते, बट एक ब्लैक अगर हुडी आपके पास है तो आपने देखा तीन अलग अलग आउटफिट आपके बन सकते हैं। एंड ऑन दिस नोट हम आ चुके हैं अपनी वीडियो के एंड में। हमने आज बात करी बाइंग गाइड के ऊपर, ओवर साइज वर्सेस स्लिम फिट के ऊपर, तीन आउटफिट भी मैंने आपको बनाकर दिखाई। मेरे को नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप एक हुडी से और कौन कौन सी आउटफिट बना सकते हैं, या फिर आपको एक प्रॉपर वीडियो चाहिए जिसमें मैं आपको 5 से 7 अलग अलग आउटफिट बनाकर दिखाऊं विद वन सिंगल हुडी, नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा, वो भी वीडियो मैं बना दूंगा। गिव अवे है, ध्यान रखना, पार्ट ले लेना, इंस्टाग्राम स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलते चलते एक चीज और बताना चाहता हूं, अगर आप मेरी तरह शॉपिंग करने बहुत ज्यादा शौकीन है और आप चाहते हैं कि आपको ऑनलाइन डील्स पता चलते रहे किन किन प्रोडक्ट्स पर कितना डिस्काउंट है, तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ टेंशन फ्री होके डिस्क्रिप्शन चेक करना है, उसको ज्वाइन करना, मैं सहमत ले रहा हूं आप लोगों के लिए, आपको कुछ नहीं करना, आपको ज्वाइन करना है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इंस्टाग्राम पर अगर अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हैं मेरे को कर लीजिएगा, बिकॉज जो गिव अवे है वो आप जब मेरे को वहां पर स्टोरी लगाएंगे तो जब फॉलो कर रहे होंगे तो मेरे को वो रिक्वेस्ट में भी दिख जाती है। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन नमस्ते, अल्लाह हाफिज़।